हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेलिंग टूल्स के थ्रू ब्रश के थ्रू फ़ोटो को एक शेप से दूसरी शेप में किया जाता है। ये देखिए, यहाँ आल्ट आल्ट प्रेस कीजिए और ये लीजिए और इसको आप सिंपली क्लिक करते जाइए। ये देखिए, ये आपकी इमेज आ गई है। तो जहाँ जहाँ भी आपका ब्रश जाएगा, ये पॉइंट जाएगा, वहाँ वहाँ आपकी इमेज डबल होती चली जाएगी। ये देखिए, इसके हेयर पे अब हम कर रहे हैं, फर्स्ट इमेज पे हम क्लिक कर रहे हैं तो फर्स्ट इमेज बनती नज़र आ रही है। ये देखिए, और ये देखिए, ये सेम इमेज आपकी बन गई है, उसका डुप्लीकेट कलर निकल के आ गया और ये इसी के अंदर मर्ज हो गया है। इसमें आप जाके मल्टीप्लाई स्क्रीन और कई चीज़ों में इसको ले सकते हैं। और सेम इसी तरह पैच टूल भी है। पैच टूल में क्या है कि आपको सपोज कीजिए, यहाँ पे आपको इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यूज पैटर्न। पैटर्न क्या है, इसके अंदर अलग अलग तरह की स्क्रीन पैटर्न दिए हुए हैं। इस पर हम एक पैटर्न पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, अब जैसे ही हम इसको यूज करेंगे, ये देखिए, ये इसका फेस ब्लर हो जाएगा एकदम। और कंट्रोल डी प्रेस करके, इसकी शॉर्ट कमांड है, हम इसको, ये देखिए, ये इसकी सिलेक्शन जो थी वो रिमूव हट गई है। अब हम लेते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल में आप चाहें इसी सेम कलर में कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए, इसको और मैं थोड़ा सा ब्रश को लार्ज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो भी सिलेक्शन है इससे बाहर ब्रश नहीं जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे और नॉर्मल कर देंगे, डिस सिलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल मैं आपको कुछ और टूल्स बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।